जनपद हापुड़ के मुख्य बाजार गोल मार्केट एवं कोठी गेट व अतरपुरा चौराहों पर दुकानदारों व रेहड़ी वालों की ओर से किए गए अतिक्रमण ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मुख्य बाजार में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। शहर के मुख्य बाजार में लोगों को किसी न किसी रूप में अतिक्रमण का सामना करना ही पड़ता है। सड़क के किनारे दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ती जा रही है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के साथ ही वाहन चालक भी परेशान है। मुख्य बाजार में हालत बदतर हो चुकी है। यहाँ पर रेहड़ी संचालकों व दुकानदारों ने आधा से अधिक सामान रोड पर ही सजा रखा है। इस संबंध में जब हापुड़ SDM सदर सत्य प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत ऐसे दुकानदारों पर अब से पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है व उनका चालान भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार अपनी मनमानी से दुकानों के बाहर सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिन दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण करा रखा है, ऐसे दुकानदारों पर जल्द ही कार्रवाई कर उनके चालान किए जाएंगे और वही जो दुकानदार बिना मास्क लगाए बैठे हैं, उन दुकानदारों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी व अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाया जाएगा। गोल मार्केट या हापुड़ का सबसे एक क्राउडेड कह सकते हैं कि मार्केट है, काफी सघन जो है यहाँ दुकानें हैं। इससे पूर्व कई बार यहाँ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा चुका है। जो अवैध अतिक्रमी थे उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी संज्ञान में आ रहा है कि फिर से अतिक्रमण लोगों ने कर लिया है। इसके संबंध में नगर पालिका के यो और यहाँ के जो अतिक्रमण के लिए जो टीम बनी है उनको निश्चित किया जा चुका है। एक अभियान के तौर पे चला के जो लोग बार बार अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ चालान और उसको तुरंत भरवाया जाए। मास्क के संबंध में लगातार संबंधित थाना क्षेत्र का है तो संबंधित जो पुलिस टीम है उसके द्वारा एवं नगर पालिका के द्वारा मास्क के संबंध में अभियान चलाया जाता है और चलाया जा रहा है। गोल मार्केट में भी अभी अभियान चलाया जाएगा। जो दुकानदार मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, जो शासन द्वारा जो निर्धारित शुल्क है वो और उनके खिलाफ ये बार बार बारंबार पुनरावृत्त करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।